कुमार रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। परेशान है वो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। अरे मुझे भी तो कोई समझने की कोशिश करे, मुझे तो कोई समझने नहीं चाहता। सब समझते हैं मैं गलत हूं, नफरत करने लगे हैं सब मुझसे। उसकी बीवी ने उस पे केस कर दिया है, अब वो वापस भी नहीं जा सकता। मतलब अजहर का भेजा हुआ खुलानामा वहां उसकी बीवी ने वसूल किया। क्या कर मेरा बच्चा, दोनों तरफ से अजियत में है वो। जो बोएगा वही काटेगा ना बुशरा। कहाँ रह गए थे आप, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। ये देखो इंतजार को छोड़ो। हाय मैं मर गई, इतने सारे पैसे तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी देखे भी नहीं, कहीं खाप तो नहीं देख रही हूँ। नहीं, दर्द हुआ असल में ही है। अल्लाह तुम्हारे तो बड़े न्यारे हो गए कसम से। ये ख्वाब नहीं ये हकीकत है, अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं इंशाअल्लाह। हमारे रजा ने जो जो हमसे वादे किए थे सब पूरे कर दिखाए हैं उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, रजा का हम जितना भी शुक्र अदा करे काम। और मुझे एक बात बताओ, तुम इतने तैयार हो क्यों बैठी? कुछ ज्यादा तैयार तो नहीं हूँ, बस नॉर्मल सी हूँ। आप भी चाहें जाके शावर ले लें, जरा अच्छे से कपड़े पहन लीजिएगा, नहीं आप हम सबको खाने पे लेके जा रही। वेरी गुड, यानी रजा जिसके बाप को चूना लगा रहा वो उसकी बेटी हमारी खिदमत कर रही है। जी जोर जोर से कहके लगा रहे हैं, सुन लेगी तो माल भी कहना है ना, जोरदार कहके बात कर। इसको पकड़े और ठिकाने लगाए जल्दी से। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमारे घर में इतने सारे पैसे हैं। ठीक है ओके। पूरे हैं सारे के सारे। मैंने भी कुछ ना लगा दिया। तो क्या करेंगे आप, क्या खुलानामा खुद अमार के पास लेकर जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आए अजहर भाई, बैठे। नहीं मैं बैठने के लिए नहीं आया, अमार ने ये खुलानामा वसूल नहीं किया था और आप लोग भी अपने बेटे को निकाल चुके हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको इतना ना पता हो कि आपका बेटा कहाँ है। बहरहाल ये छोड़कर जा रहा हूँ, इस पे साइन करवाकर मेरे एड्रेस पे भिजवा दीजिएगा। भाई साहब आप बैठिए तो सही। तुम्हारा क्या ख्याल था, वो बैठ जाएंगे तो तुम आयजा के बारे में उनसे पूछ लो। मैं क्या पूछती उनसे, वो बैठे ही नहीं। आप ये बताएं कि खुलानामा किस तरह से भिजवाएंगे, क्या मैं उसको जाके? नहीं, फजल के हाथ भिजवा दूंगा इसे। अम्मी ने दूसरी बार खुलानामा साइन करा के अम्मार को भिजवा दिए। बार बार कॉल्स किए जा रहे हैं। तुम्हें ना उसे पहली कॉल पर ही ब्लॉक कर देना चाहिए था, या फिर इतना सुनाती कि वो खुद फोन रख देता। हिम्मत नहीं है मुझ में। तो ठीक है ना, जब हिम्मत आ जाए तो उसे अनब्लॉक करके खूब सुनाना, उसे इतना सुनाना कि उसे पछतावा हो जो उसने किया है, उसे अफसोस हो अपने मर्द होने पर। तो सब ठीक हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़े साहब ने बचाया है। ठीक है, साहब ने कहा था आपका दस्तखत करवा कर वापस लाऊं। नहीं, मैं भिजवा दूंगा, तुम जाओ। साहब, वो बड़े साहब का हुक्म। फजल, मैंने कहा ना मैं भिजवा दूंगा, जो कहा है वो करो। और वैसे भी कल घर वापस आ जाऊंगा। जी साहब। हाँ भाई नायला, कैसा लग रहा सारा कुछ? अल्लाह, बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट है। आप पहले कभी क्यों नहीं लाए मुझे यहाँ पर? अम्मी, रजा जल्दी से खाना मंगवाओ, कसम से मुझे तो बहुत भूख लगी है। बेटे, मैं सोच रहा था कि एक चिकन कढ़ाई, एक चिकन फ्राइड राइस और एक अल्फ्रेडो पास्ता। बस इतना सा खाना? क्या हो गया, बहुत है भाई। कुछ और भी मंगवा लेना, कुछ फिश टिक्का, मटन कढ़ाई वगैरह कुछ भी तो मंगवा ले, और मंगवाए ना। इतना कुछ कौन खाएगा भाई? जितना खाया जाएगा उतना खा लेंगे, बाकी पैक करवा लेंगे। और नहीं तो क्या, चपली कबाब तो यहाँ के बहुत मजे के होंगे ना, वो जरूर मंगवाओ। रजा, जिसने जो मंगवाना है मंगवाने दो ना उसे। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, इतने सारे लोग हैं, हम बहुत सारा ही खाना आना चाहिए। देखा, औरतें हर बात समझती हैं, और तुम मर्दों के खाना मंगवाते हुए शर्मा रही। रसमलाई तो होगी ना यहाँ? हाँ हाँ होगी, लेकिन मैं तो लबे शीरी खाऊंगा। जी जी, जिसने जो मंगवाना है वो मंगवा ले। आप लोगों ने इतना सारा खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, पहले वो खा ले फिर बाद में और मंगवा लीजिएगा। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, चलो बाद में मंगवा लेंगे। ठीक है, आप बाद में आइए। सब कुछ मंगवा लिया है ना तुमने? जी अम्मी, नया आपके कहने पे सब कुछ मंगवा लिया। आय अल्लाह, सदके जाऊं, कितनी अच्छी लड़की है ये, कितना ख्याल रखती है हम सबका, हमारे माहौल में रच बस गई है। मुझे दुआएं दे आप सब, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी बहू लेकर आया हूँ। आपको पता है कल भाभी मुझे शॉपिंग पे भी लेके जा रही हैं। निदा, I'm so sorry, हम कल नहीं जा सकेंगे। लेकिन भाभी, आपने तो कहा था आप मुझे शॉपिंग करवाएंगी। हाँ निदा, मुझे याद है मैंने कहा था, लेकिन हम कल नहीं जा सकेंगे, परसों चलेंगे। कल मैंने आप सबको अपने घर पे एक बहुत शानदार सा डिनर देना है, तो आप सबको वहाँ आना है। फिर डिनर? ये दूसरा डिनर किस खुशी में? आपकी बर्थडे की खुशी में। ओ हाँ, कल तो भाई की बर्थडे है ना। फिर तो बाजार जाना पड़ेगा रजा के लिए गिफ्ट लेने के लिए। मैं तो वो गिफ्ट दूंगी जो आप सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। क्या देंगी भाभी, बताए ना। बेटा, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, बता ही दो अब मुझे बस। अरे रहने देना, आप सरप्राइज देना चाहती हैं तो देने दे। अच्छा, मुझे तो बता सकती हो ना? हाँ आपको बता दूंगी, लेकिन कान में। देखा, मैं कहती हूँ ना, मेरी बेटी बहुत प्यार करती है मुझसे, बताओ मुझे। लेकिन आपने किसी को बताना नहीं, आपने मुझसे वादा किया है, खामोश रहेंगे आप? हाँ हाँ, नहीं किसी को नहीं बताऊंगी। चक्का लाए ना वो,
तो उससे कुछ मत कहिएगा, बस साइन करवा लीजिएगा। इस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। इस लड़के बेटा तुमने इतना वक्त क्यों मांगा है? अरे हम सब चाहते हैं कि तुम अपना घर बसाओ, खुशी खुशी रहो। मम्मी आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दादी को सचमुच ऐसा कह रही हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सभी ये चाहते हैं कि तुम शादी करो। और बेटा अब ये मत करो ना, अच्छा होगा कि तुम अपना घर बसाओगे। अम्मी मैंने दादी को तसल्ली देने के लिए बोला था, और मैं तैमूर के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। हाँ हेलो हेलो, हाय बेचारी, इतना अपसेट है, अब इसको कैसे समझाऊं मैं? सलमा, क्यों उदास उदास टहल रही हो तुम? आखिर कोई परेशानी है, मुझे बताओ। जिया, अभिया के पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं। जाहिर है वो मां बाप है, चाहेंगे कि उनकी बेवा बेटी का घर बस जाए। लेकिन हमारा क्या होगा सिया? अगर अभी इस घर से चली जाएगी तो हम तो मर जाएंगे। जानता हूं, ये भी जानता हूं कि वो शादी नहीं करना चाह रही। वो रजामंद है, वो है रजामंद। सलमा क्या कह रही हो तुम? वो रजामंद? तैमूर के बगैर तो हम जी रहे, अभिया बेटी के बगैर नहीं जी सकेंगे हम। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, आओ। सिचुएशन कुछ गंभीर लग रही है। देखिए, आपका बेटा होने के नाते, इस घर का बेटा होने के नाते, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या परेशानी। सिमिलरली आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये बताएं कि परेशानी की बात क्या है। सो प्लीज सलमा, जो मैं सोच रहा हूं क्या तुम भी वही सोच रहे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो आप लोग जो महसूस कर रहे हैं वो बात भी बता दीजिए प्लीज। बात नहीं, हुक्म है हमारा। हाँ, और तुम्हें ये हुक्म मानना पड़ेगा। अच्छा चले, हुक्म ही सही। अब आपने इस आजमाइश में डाल ही दिया तो बताइए कि क्या हुक्म। मूसा, तुम शादी कर लो बेटा। ठीक है, शादी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं पसंद। बल्कि मैं भाभी से बात कर लेता हूँ ना, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ ले। उससे बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। आपने लड़की ऑलरेडी ढूंढ ली? हाँ। अच्छा, तो बताइए कौन है वो लड़की जो मूसा की बीवी और इस घर की बहू बनने वाली? अभी हाँ।
अभिया से शादी कर लो मुझसे। तुम्हें ना उसे पहली कॉल पर ही ब्लॉक कर देना चाहिए था, या फिर इतना सुनाती कि वो खुद फोन रख देता। हिम्मत नहीं है मुझ में। तो ठीक है ना, जब हिम्मत आ जाए तो उसे अनब्लॉक करके खूब सुनाना, उसे इतना सुनाना कि उसे पछतावा हो जो उसने किया, उसे अफसोस हो अपने मर्द होने पर। नायाब ने ऐसी कौन सी बात तुम्हारे कान में कर दी जिसकी वजह से तुम खामोश हो? उसने मेरे कान में कहा कि वो ये घर रजा के नाम करना चाह रही है। क्या? वाह, वेरी गुड, ये तो खुशी की बात है। अरे भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जी, खुशी की बात तो वाकई बहुत है, लेकिन परेशानी की बात भी बहुत ज्यादा है। वो फाइल नायाब के पास होगी तो वो रजा के नाम घर करेगी ना। रजा, तुम्हारे अब्बा हुजूर वो फाइल काम के सिलसिले में किसी आदमी को दे आए। देख तो, चलो आप लोग फिक्र ना करो, कुछ सोचते हैं इस बारे में। हाँ ना, मैं उसको जाके कहता हूं कि मुझे इतना बड़ा तोहफा चाहिए ही नहीं, ये घर मेरे नाम करे ना। सिंपल, खबरदार अगर इस किस्म की कोई बात तुमने की उससे तो। सिंपल का बच्चा, अरे वो मुझ पर इतना एतबार करती है और ये बात करके तुम मेरा एतबार खत्म कराना चाह रहे हो। तुमने देखा नहीं, टेबल पे तुम सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसने सिर्फ मेरे कान में बताया था कि वो तुम्हारी सालगिरह कर रही है। सही कह रही हैं आप, तो फिर आप क्या करें? शौकत साहब, आप अभी के अभी जाएं और वो फाइल ला के दें सुबह होने से पहले मुझे। भाई तो इतनी रात को। जी नहीं यार, रात मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे वो फाइल चाहिए तो चाहिए। ठीक है, जाता हूँ जावेद के पास, अभी बात कर लेता हूँ उससे, ठीक है ना? लेकिन यार खुशी की बात है, मैं सिर्फ बात नहीं करनी, फाइल लेकर आनी है आपने। हाँ हाँ, बात नहीं, हुक्म है हमारा। हाँ, और तुम्हें ये हुक्म मानना पड़ेगा। आपने लड़की ऑलरेडी ढूंढ ली? हाँ। अच्छा, तो बताइए कौन है वो लड़की जो मूसा की बीवी और इस घर की बहू बनने वाली? अभी हाँ। Thank you.
अरे आप ही को देखने आ रही थी मैं भी, कहाँ रह गए थे आप? क्या रह गया बाकी? क्या क्या हो गया अजब? खैरियत? खैरियत क्या हो, क्या बाकी रह गया? मेरी बेटी जिस हाल में है ये मेरा दिल जानता है। वो बहुत अजियत में है जेबा, बहुत अजियत में है, बहुत उदास है। दिल करता है जाकर उसको गले लगा लूं, उसके सारे दुख अपनी जान ले लूं। सेबा प्लीज कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि उसकी उसकी अजियत कम हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो बिखर के टूट जाएगी, वो उसके सीने पर बहुत बड़ा बोझ है। अज़र अपने आप को संभाले प्लीज। हाँ वो परेशान है, लेकिन आपने ना हिम्मत करनी है। इतना तो आप कर सकते हैं ना कि आप उसको गले लगाएं, उसको रोने दें, फूट फूट के रोने दें, ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। देखिए आप ही हम सबका सहारा है, अगर आपने हिम्मत छोड़ दी ना तो हम सब कहाँ जाएंगे? मैं माँ हूँ, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी बहुत दुख और तकलीफ होती है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती। आपस में हम एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने ना कमजोरी नहीं दिखा सकते हैं सर, वो परेशान हो जाएंगी। आप चाहें अपना कंधा दें उसे, रोने दें, हिम्मत दिलवाएं ताकि वो ना टूटे। ठीक है, जाइए। ठीक है, जाते। तुम हमारी मोहब्बत की कसम खा के कहो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे। हमारी मोहब्बत की कसम, कोई ऐसी बात नहीं। ऑफिस और बाकी काम की टेंशन तो अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आजा बेटा। आप सोए नहीं अब तक? तुम भी तो नहीं सोए बेटा। मैं जानता हूं मेरी बेटी बहुत बहादुर है, मजबूत है, बड़े से बड़ा दुख उसे तोड़ नहीं सकता, और ये भी जानता हूं कि वो बहुत जल्द खुद को संभाल लेगी। मैं इतनी बहादुर नहीं हूं बाबा जितना आप मुझे समझते हैं। बहुत कमजोर हूं मैं, तभी खुद को संभाल नहीं पा रही। बाबा ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। मैं जब जब सोचती हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया, मैं पागलों की तरह उसके झूठ पे यकीन करती रही, बेवकूफ बनती रही। बहुत दर्द होता है इधर बाबा, दर्द बहुत अजियतनाक है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस तरह खुलने नहीं दे सकता। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया, हम सबके साथ धोखा किया, और उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसे भूलने की कोशिश करो। नहीं होगा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। अपने बाबा और मेरी खातिर अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी पे वापस लौट आओ, भूल जाओ ये सब कुछ प्लीज। मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगी, आप लोग परेशान मत हो।
मैं उसको भूल जाऊंगी। अल्लाह करे फाइल मिल जाए। अगर सुबह होने से पहले नायार ने दराज खोल ली तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह करे शौकत कामयाब वापस लौटे, लड़का मिल जाए शौकत को जिसको उन्होंने फाइल दी थी। हमारी इज्जत बच जाए किसी तरह। इस वक्त यहाँ मैं अपनी फाइल लेने के लिए आया हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी। वो तो मैंने काम करवाने के लिए आगे दी थी, तभी तो काम होगा। मैंने कोई काम शाम नहीं करवाना, फाइल मुझे वापस करो बस। मैंने कहा ना कि आगे दी हुई है। जहाँ भी दी हुई अभी चलो मेरे साथ और फाइल मुझे वापस करो। यार होश में तो हो शौकत, रात का 1 बज रहा है यार। 1 बज रहा हो या 2, मुझे हर हाल में फाइल चाहिए। यार काम करवा के फाइल वापस कर दूंगा ना भाई। मैंने काम शाम कुछ नहीं करवाना, फाइल मुझे वापस करो बस। काम नहीं करवाना तब भी पैसे तो लगेंगे। हाँ हाँ दे दूंगा, जितने चाहोगे उतने दे दूंगा। तो दो मुझे, अभी दो। पहले फाइल मेरे हाथ में दो, पैसे ले लेना। पैसे के बगैर तो तुम्हें फाइल मिलेगी नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने भी चाहिए मिलेंगे। 2 लाख। चलो फाइल दिलाओ, 2 लाख भी दे दूंगा। 2 लाख तो मेरे होंगे और जो वो मांगेगा वो अलग होंगे। कबूल है, मंजूर है, चलो। अभी नहीं यार, सुबह आना, मैं सुबह दिलवा दूंगा फाइल। सुबह 7 बजे आ जाऊंगा, याद रखना। 7 बजे? याद रखना, फाइल तैयार रखना बस। पता नहीं अब्बू को फाइल मिली भी होगी या नहीं। अगर ना मिली तो क्यामत आ सकती है। लेकिन इसके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत क्यों जाग गई? अगर मुझे पता होता ना कि इसका ये इरादा है तो मैं कभी फाइल नहीं निकालता। ऐसी अजीब लड़की है, किया उसने वही है जो हम चाहते थे, लेकिन देर कर दी। अगर फाइल मिलते ही ये सब कुछ हो जाता तो आज हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। परेशानी तो है, लेकिन जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। सुबह 6:30 बजे मैंने निकलना है, जाके सो जाओ। कैसे सो जाऊं कांटों के बिस्तर पर, कहां नींद आएगी मुझे? खुदा का शुक्र अदा करो कैश निकलवा के ले आया हूं मैं। 6 लाख रुपए मुझे दे देना, 2 लाख तो वो मांगेगा। अब दूसरा पता नहीं क्या मुंह फाड़ता है, समझ नहीं आती। तो उसके मुंह पे मारे, अपना काम कराए, हमें काम से मतलब है ना। आपने कौन सा अपनी कमाई से देने हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? बाज नहीं आना, कौन सी अपनी कमाई से है ना, बाज नहीं आना। तुम जाग रही हो? हाँ, वो आयजा के लिए बस थोड़ा परेशान हो रही थी इसलिए नींद नहीं आई। तुम क्यों जाग रहे हो?
नहीं, मैं सोने वाला था, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही। कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, तो सब सब ठीक है। रजाब, तुम हमारी मोहब्बत की कसम खा के कहो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे। हमारी मोहब्बत की कसम, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑफिस और बाकी काम की टेंशन तो अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कल टाइम पे आ जाना, लेट मत होना। यार ये हम सालगिरह कल की बजाय परसों पोस्टपोन नहीं कर सकते क्या? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो ऑफिस में शिपमेंट आ रही है, उसको ओवरथ्रू करना है, मॉनिटर करना है, उसकी वजह से तुम्हें पता है टाइम तो लग जाता है इन चीजों में। ये तुम्हारे काम नहीं है, सुपरवाइजर को कह दूंगी कि वो अपने काम खुद संभाले, तुम क्यों करोगे उसके काम? यहाँ पर हर कोई दो नंबर आदमी है नया, सर पे ना खड़े हो तो काम में हेरा फेरी करते। तुम बहुत मासूम हो नया, ये बातें नहीं समझती। ठीक है, टाइम पे आ जाऊंगा मैं। हैप्पी? जागते रहोगे तो काम कैसे करोगे? सो जाओ। हाँ, पॉइंट, कह तो सही रही हो, सो जाते हैं। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रहे हो? बाइक निकालना हो, जाना नहीं है क्या? तो मेरे साथ गाड़ी में चलो। यार मुझे वहां तो कोर्ट जाना है, फिर घर भी वापस आना है। हाँ तो टैक्सी में आ जाना। टैक्सी के पैसे कौन देगा? तुम? मैं दे दूंगा। क्या मेरे पैसे? वो फाइल मिलने के बाद मिलेंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे एतबार नहीं, तुम्हारा पहले पैसे दो। वेरी गुड, ये लो। वाह यार, कैसा है? ठीक है। उसने कितने मांगे? उसने 3 लाख। अच्छा, जाना कहाँ है? आप गाड़ी में बैठो, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है। ओए मेरे अल्लाह, निदा निदा दरवाजा खोलो। क्या हो गया अम्मी, सुबह सुबह क्यों शोर मचाया हुआ आपने? तुम्हें सोने की पड़ी हुई है, हमारी यहाँ नींदें उड़ी हुई और तुम्हें सुकून चाहिए। तो क्या करूं अब मैं? दुआ मांगो तुम्हारे अब्बू को फाइल मिल जाए। मिल जाएगी अम्मी फाइल, क्यों परेशान हो रही हैं आप? उस बंदे ने बुलाया ना अब्बू को, सुबह दे देगा फाइल। कैसे परेशान नहीं हो? अगर तुम्हारे अब्बू के आने से पहले नायाब उठ गई और उसने फाइल देखी ना मिली तो क्या जवाब देंगे उसे? जब तक अब्बू आ जाएंगे सबर रखें। अल्लाह करे आ जाए, लेकिन अगर नहीं आए तो? बस करे अम्मी, खुदा का वास्ता ना डरें। इस तरह ना भाभी को हमारी शक्लें देखकर ही शक पड़ जाएगा। अब जब हमने अपना कल बदलने का फैसला किया ही है ना, अब फिर कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। अब अम्मी जाएं, मुझे सोने दें, अब तंग नहीं करिएगा।
तुम एक काम करो, फाइल खुद जाके दराज में रख दो। कैसे मैं रख दूं? रजा को उठ तो जाने दे। अरे ये काम करना तो है ना, उठाओ जाके मुझको। बस आप दुआ करें किसी तरह हमारी इज्जत रह जाए, कसम से फंस गए हैं बुरी तरह। मैं उठाती हूँ, देखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उठाओ उसको। रजा, रजा बेटे दरवाजा खोलो। रजा, खैर है ये आज अभी तक सो रहे? पता नहीं इसने फाइल रखी है दराज में या नहीं। मुझा बेटा, मैंने तुमसे एक बात की थी, तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। देखो ना बेटा, कितनी अच्छी लड़की है अबीहा, तैमूर के बाद भी हमें छोड़ के नहीं गई। देखो बेटा, हम दोस्तों की तरह, मुझे बताओ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं नहीं चाचा जान, ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन है। आप लोग मेरे बड़े हैं, अगर इसी में आपकी खुशी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, तो फिर मैं आज ही अभी यहां से बात करती हूँ। नहीं नहीं चाची जान, अभी नहीं। क्यों? अभी अगर भाभी से, अभी यहां से जी, मैं उनसे खुद बात करना चाहूंगा पहले। लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो? अगर आपने बात की ना तो वो लाजमी इनकार कर देंगे। देखो बेटा, अगर तुम मुझसे डायरेक्ट बात करोगे फिर भी तो इनकार कर सकती हो। आप फिक्र ना करें चाचा जान, मैं उन्हें मना लूंगा, मैं कर लूंगा।